अजमेर नगर निगम की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन और अन्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 किलो प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। स्वास्थ्य अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि अजमेर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर इस अभियान को फिर से शुरू किया गया है। दीपावली के बाद यह अभियान एक बार फिर शुरू किया गया और इसके साथ ही जन जागरण भी किया जा रहा है, जिससे कि प्लास्टिक की थैलियों का यूज न हो और पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। आज मदार गेट पर दो प्रतिष्ठानों पर 300 किलो प्लास्टिक की सामग्री जब्त करने के साथ ही 22,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर फिर भी व्यापारी अवैध रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक भेजते हैं तो उन पर आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। तरीके से कार्रवाई करी, कहां पे करी? आज नगर निगम द्वारा आयुक्त महोदय जी साहब द्वारा एक आदेश दिया गया था कि दीपावली के पश्चात कि आज फिर आप जो है राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिबंध पॉलिथीन है वो जब्त कार्रवाई करें। तो आज हम पूरी टीम जमादारों के साथ हम गए और वहाँ मदार गेट के ऊपर जहाँ पहले किया था वापस वहीं गए, देखा तो उनके गोदामों में 300 किलो माल पड़ा हमें मिला, तो वो जब्त कार्रवाई की। उसके बाद 22,000 का जुर्माना किया, दो जगह किया अलग अलग, एक जगह 250 किलो मिली, एक जगह 125 किलो मिली और 11,000 का उन पर जुर्माना किया। कौन कौन सी दुकानें थी दोनों? एक तो लक्ष्मी ट्रेडर्स और एक राज सीरी सेल्स, दोनों पे कार्रवाई की क्योंकि ये आयुक्त महोदय जी के आज सख्त निर्देश थे कि आप जाइए और कार्रवाई करिए अपने टीम को ले जाकर, इसलिए उनके आदेशों की पालना करते हुए कार्रवाई की। क्या कहना चाहोगे व्यापारियों को नियंत्रण आप इस तरीके से करोगे? हमने पाबंद पूर्व में भी पाबंद किया था दीपावली के पूर्व दीपावली पर कि भाई आप लोग जब राज्य सरकार द्वारा जो चीज़ पाबंद की गई है उसे आप अपने शॉप दुकान में क्यों रखते हैं आप, ताकि अब जुर्माना भी करना पड़ रहा है और बार बार फिर राज्य सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी अजमेर शहर के दुकानदारों को मेरा आग्रह है और निवेदन है कि आप लोग जो प्रतिबंध चीज़ें हैं डोना पत्तल गिलास या प्रतिबंध पोलोथीन, वे सारी चीज़ें आप अपने अपने प्रतिष्ठानों से दुकानों से हटा लीजिए ताकि जुर्माना ना करना पड़े ना जब्त करना पड़े और हमारा शहर स्वस्थ रहे। और जब आपको निर्देश दे दिए गए राज्य सरकार द्वारा तो आप नहीं तो अगर ये कार्रवाई अगर नहीं माने तो हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। आपका नाम? ओम प्रकाश गोयर, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम अजमेर।